वेलकम एवरीवन टू माय चैनल पीआर एडवाइजर्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट आर द डिटेल्स एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू फिल आफ्टर यू रिसीव योर आईटीए। तो पहली बात, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यू नीड टू फिल बिफोर आईटीए, आप वो देख सकते हो इससे पहले, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऑल द डिटेल्स आफ्टर आईटीए। तो सबसे पहले ये रहेगी डिटेल्स, और जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आई विल से एक को छोड़ के बाकी सारा वही का वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जैसे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टडी लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्क हिस्ट्री, ये सारा का सारा ऑल अपने आप ही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और मोस्ट ऑफ दी डिटेल्स जो रहती हैं वो ग्रे आउट ही रहती हैं, जैसे पासपोर्ट डिटेल नंबर हो गया, डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल होगी, वर्क हिस्ट्री होगी, आप चेंज नहीं कर पाओगे। और इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड हो जाता है, वो होता है पर्सनल हिस्ट्री। ये थोड़ा लेंथी होता है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है, अगर आप पास्ट 10 ईयर्स में एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ फिल करनी पड़ेंगी, और इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। ये पर्सनल एक्टिविटीज़ की बात करूं, ऊपर लिखा हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में आपको सारी की सारी डिटेल अंडर एक्टिविटी टाइप, कौन सी एक्टिविटी लाइक एजुकेशन थी, अंडर एक्टिविटी टाइप एजुकेशन आएगा, अंडर एजुकेशन टाइप अनएम्प्लॉयड थे अनएम्प्लॉयड आएगा, एम्प्लॉयड थे एम्प्लॉयड आएगा, वो सारी की सारी डिटेल पास्ट 10 ईयर्स की जहाँ आएंगी, और कोई गैप नहीं होगा, ये याद रखना। वो आप रिसेंट से स्टार्ट कर सकते हो, रिसेंट से स्टार्ट करके पीछे जा सकते हो। और डेट्स का ख्याल रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ 2017 महीना बात करूँगा, अगस्त की बात कर लो और 17 की बात कर लो, अगर उसके पीछे जाऊँगा 6 मंथ, तो 6 मंथ के पीछे वाली डिटेल जो है वो डे क्लैश आई मीन जैसे 7 तक डेटा फिल कर दिया, उसके बाद 8 से स्टार्ट कर दो, ऐसे एक भी डे मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाती है, पहले तो सेव ही नहीं हो पाएगा। अगर सेव हो भी गया तो ट्रैवल हिस्ट्री बाद में वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं एक्सटेंसिवली कि हाँ भी हमें एक और दो, ट्रैवल हिस्ट्री क्लियर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ कौन सी डिटेल, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सिंस 40 ईयर्स से कब तक, उसके बाद डिस्क्राइब करना पड़ेगा उस टाइम पर क्या कर रहे थे, जॉब थे तो क्या कर रहे थे, अगर नेम कुछ भी जॉब थी उसका नेम, कंट्री कहाँ थे, सिटी कहाँ थी, बस इतनी ही डिटेल सेव एंड ऐड, ये आपको अपने लास्ट 10 ईयर्स की देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ट्रैवल हिस्ट्री, सेम गोज़ विद ट्रैवल हिस्ट्री, आपको पास्ट 10 ईयर्स की ट्रैवल हिस्ट्री देनी पड़ेगी, कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे जिसकी एक्सटेंसिव ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल कर रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले सारा एक नोट कर लीजिए कब से कब तक कहाँ थे, सो दैट आपको टाइप करने में इजी रहेगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक्सटेंसिव नहीं है, मान लीजिए आप बाहर नहीं ट्रैवल किए, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप 4 साल अपनी बैचलर्स के लिए एक जगह रहे, आप एक एड्रेस डाल सकते हो, मास्टर्स की उसके बाद मास्टर्स की अलग रहे उसका एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद घर रहे घर का एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद जॉब के लिए जहाँ पे रहे वो एड्रेस डाल सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फ्रॉम ईयर मंथ से कब तक डाल रहे हो, कंट्री कौन सी डाल रहे हो, और उसके बाद सिटी और पर्पस ऑफ ट्रैवल, दैट्स इट, ये आपको डालना है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। और सेव एडिटरी क्वेश्चंस, इसमें वो आप पूछेंगे कि सिंपल येस और नो, कि आप क्राइम के लिए कन्विक्टेड हुए हैं कनाडा में कभी, नहीं, हाँ, ना, ये सब नो वाले बेसिकली क्वेश्चंस ही रहेंगे, येस इसमें कम ही आएगा, येस आएगा तो दिक्कत ही आएगी। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको, आई विल से फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने पड़ेंगे आफ्टर आईटीए। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट आफ्टर आईटीए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा पासपोर्ट आपका। तो पासपोर्ट में एक्सप्रेस एंट्री में ये है कि आपको फ्रंट पेज, लास्ट पेज और कोई भी स्टैम्प पेज है वही करना पड़ेगा, सारा पासपोर्ट नहीं, और आपको मोस्ट रिसेंट पासपोर्ट ही करना पड़ेगा, ओल्ड नहीं। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल आप आईटीए से पहले भी करवा सकते हो, बट आई रिकमेंड आईटीए के बाद सही रहेगा, आईटीए के बाद आपको जो भी
मेडिकल जहाँ से भी करवाओगे आप, मेडिकल जो बिल की रसीद है प्लस एक अपफ्रंट मेडिकल की शीट देंगे, वो दोनों आपको ट्रैक शीट वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद पुलिस सर्टिफिकेट, जैसे मेरे दो थे यूएसए का भी था, तो आपका लिए मान लो एक ही है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एजुकेशन डिग्रीज, एजुकेशन में आप अपनी डिग्रीज प्लस अपनी मार्कशीट्स प्लस अपनी वेस और प्लस ये याद रखना आइल्स का इसी में ही अपलोड करना है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में आप अपना जो भी आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स है आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस लेटर मस्ट है, अगर उसमें कोई डिटेल जैसे मेरे केस में सैलरी नहीं मेंशन थी, तो मैंने सैलरी के लिए अपना सारा जब से जब तक काम किया बैंक की स्टेटमेंट लगा दी कि हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आते थे, तो वो चल जाएगा। आपके पे स्लिप्स है जितनी, वो पे स्लिप्स ऐड कर दो, आप अपनी टैक्स रिटर्न्स ऐड कर दो, फाइनल स्टेटमेंट कोई है, सेटलमेंट है, कोई कंपनी छोड़ी थी उसकी, वो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ ऑफ मीन्स में आपको बैंक से लेटर बनवाना है, मैं सेपरेट वीडियो बनवाऊंगा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, वो लेके अपलोड कर दो। उसके साथ 6 मंथ की एवरेज, 6 मंथ की आई मीन स्टेटमेंट अपलोड कर दो, अपना बैंक की जो कॉपी का फ्रंट पेज है वो आप साथ में अपलोड कर सकते हो, अगर आपके FDs हैं तो FDs की कॉपी वो अपलोड कर सकते हो। और लास्ट में आता है डिजिटल फ़ोटो, तो डिजिटल फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन CIC ने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखी है। याद रखना फिजिकल डायमेंशन जो है वो 50 mm बाय 70 mm है, बट डिजिटल फ़ोटो की डायमेंशन अलग है, वो होती है तो लास्ट में रहेगा डिजिटल फ़ोटो। डिजिटल फ़ोटो आपको अपनी करवानी पड़ेगी, और इसकी फिज़िकल डिमेंशन जो होती है वो 50 mm बाय 70 mm होती है। और बट डिजिटल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिजिटल में आप अपलोड करोगे वो पिक्सल्स में होगी, वो आई थिंक 420 बाय 540 पिक्सल्स एटलीस्ट होने चाहिए, वो आप गूगल से देख सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन डॉक्यूमेंट होता है जो अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा, वो जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। कोई भी किसी तरह का भी एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो, चाहे आपकी सैलरी कैश में आई हो, आप बाद में एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक लेटर बनाना, वो मैं एक बाद में वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बता दूंगा हाउ टू राइट ए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आप एक लेटर लिख सकते हो, वो यहाँ पे एक स्पेस होगी, ऑप्शनल होगा, वो आप अपलोड कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो प्राइस कितना कितना है, आपको जो फाइनल सबमिशन के टाइम आपको जो टोटल प्राइस है आपको जो पे करना पड़ेगा वो $550 होगा, प्लस राइट RPRF जो मैंने पहले ही फ़ीस पे कर दी थी वो 490 था, और बायोमेट्रिक्स की फ़ीस $85। तो ऑल टुगेदर फॉर वन पर्सन इट विल बी अराउंड $1125। तो ये था वीडियो आफ्टर ITA, कौन कौन सी डिटेल एंड डॉक्यूमेंट आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा इंडिविजुअली और दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग PR एडवाइज़र्स, आई होप आपको अच्छा लगा, और आप डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप कॉमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।